हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवल टू संतोष में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको भी अपडेट देने जा रहा हूँ वो पटना बक्सर फोरलिंग का, जिसमें आराम कितना काम हुआ है। पिछले वाले वीडियो में हमने बीबीगंज तक अपडेट दिया था, तो आज बीबीगंज से गजराजगंज तक अपडेट दे रहे हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और बीच में स्किप ना करें, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस पर जाकर फॉलो जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पिछला वीडियो जहां अंत किए थे वहां शुरू कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं बीबीगंज, जो ये बाहर से जा रहा है, और वो वाला जो आप देख रहे हैं वो मार्केट से होते हुए जा रहा है, और ये सामने जाके आप इसका देखेंगे, यहां एक छोटा सा पुल बन रहा है। ये मार्केट से बाहर से निकल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था जो चंदवा से शुरू होता है जहाँ न्यू बाईपास, वहाँ से बीबीगंज, जो ये हम जहाँ से आज का वीडियो शुरू किए हैं वहाँ तक का आपको अपडेट दिए थे। आज उससे आगे हम वीडियो दिखा रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही पुल का निर्माण हो रहा है, जो ये मार्केट के बाहर से निकलेगा। अभी इस पर काम चल रहा है, आप देख रहे हैं अभी काम चल रहा है। अभी इसमें पुल में बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये हम आ चुके हैं मार्केट होते हुए, और ये जो हम पुल दिखाए थे उस तरफ से आपको, ये वही वाला पुल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसका काम चल रहा है। आप सामने देख रहे हैं अभी पुल का बहुत काम बाकी है। अभी आप देख रहे होंगे क्रेन लगा हुआ है यहाँ पर मिट्टी भर के इसको पुल को कनेक्ट किया जाएगा सामने से, जो आप देख रहे हैं। अब हम जो ये पुल को जोड़ेगा उस पर हम चढ़ते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पीछे वाला जो है, ये सामने से जो पुल जो न्यू बन रहा है उससे ये जोड़ेगा। ये आप देख रहे हैं सामने मिट्टी भराई किया गया है, और ये नीचे वाला जो जाता है वो मार्केट की तरफ चला जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो आप प्लीज़ उस पर जाके फॉलो करें। दोनों तरफ आप देख रहे होंगे ढलाई हो चुका है। आज हम जहाँ वीडियो शुरू किए थे बीबीगंज से, ये गजराजगंज तक का हम आपको अपडेट देंगे। गजराजगंज में न्यू फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ तक आपको ये वीडियो दिखाएंगे।
और ये नेशनल हाईवे 84 है और ये बिहार यूपी को जोड़ेगा। ये रोड तीन चरण में बन रहा है, पटना, बक्सर और आरा, और तीन कंपनी इसको टेंडर लिया है। आरा बक्सर में तो काम कंप्लीट हो रहा है लेकिन अभी पटना में शुरू नहीं हुआ है। और अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने अपडेट किया था आरा न्यू बाईपास का, जो कि शहर के बाहर से बन रहा है। तो अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे दिया है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं। ये पटना बक्सर फोर लेन कम से कम 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि अभी पटना में इसका काम शुरू नहीं हुआ है, तो चांस है 2024 तक। आरा बक्सर में तो काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो यानी मान के तो चलिए अब 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ मिट्टी भर के जो बांध बनाया जा रहा है, ये गजराजगंज में न्यू फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसके लिए ये बनाया गया है। मिट्टी भर के ऊंचा किया जा रहा है जिसको उससे जोड़ा जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, जो ये जा रहा है ढलाई वाला जो सामने जा रहा है, ये गजराजगंज फ्लाईओवर है जो कि ये बाहर से निकल रहा है। गजराजगंज मार्केट से बाहर से ये फ्लाईओवर निकल रहा है। इस तरफ मार्केट होने के चलते ये बाहर से निकल रहा है जिससे जाम की समस्या कम होगी और बाहर से कोई डायरेक्ट निकल सकता है। यहाँ से जो नेक्स्ट वीडियो हम दिखाएंगे इसका पार्ट 3 वो अगले वीडियो में दिखाएंगे, तो वो वीडियो आप देखना ना भूलें जिसमें हम गजराजगंज फ्लाईओवर का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।